Watch out. सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस आप लोग बोल रहे हो कि यार ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली गाइस मैं मतलब थोड़ा सा लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। तो गाइस खैर यहाँ पर हम लोग आए हैं जॉर्जेट सिटी में। उस सिटी में गाइस एक से दो स्क्वाड आता है, एक स्क्वाड को हम मार देते हैं, लेकिन जो दूसरा स्क्वाड होता है ना उसका एक बंदा ऐसा लगता है शायद हैकर वैकर, मतलब समझ रहे हो ना, हैकर वैकर ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है एक्चुअली। तो खैर अभी ज़रा आप यहाँ से फाइट देखते जाओ, बड़ा मज़े की फाइट होने वाली है। वाटर शोर ने फेल दिया, करो कवर। तो पकड़, पीछे बंदा, तेरा एक बंदा रिवाइव से आ जा। उसे उठाने दी मैं पहले बता। ये बात है खान, ओपन अब बाज गन फिश नहीं। ये कोई ये क्लोज में है, लेट गया उसने। ओए हील ले तो दे, ओए हील तो दे, मैं नहीं जानी होती। तो किसी को हीलिंग मिली है? मुझे भी नहीं मिला, भैंस मुझे दे दिया। तेरी आवाज पे क्या हुआ? अभी बहन के वो लगा, वो लगाया था ड्रिंक लगाया था और बहनचो जाया हो गया। ओ भैंस की तुम, एक पड़ी है, ड्रिंक नहीं था, एक पड़ी है। पांच फर्स्ट में से दे 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 ना दे। तो गाइस हमने एक स्क्वाड के तो मतलब दो बंदे तो मार दिया, बाकी जो दो बंदे थे वो जो दूसरी तरफ स्क्वाड था ना, दूसरा स्क्वाड उन्होंने मार दिया उनके दो बंदे। तो यहाँ पे उनके साथ तो काम हो गया, कांड वांड हो गया। लेकिन अब गाइस वो जो बाकी स्क्वाड था ना, वो पूरा का पूरा स्क्वाड जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना अपार्टमेंट्स, वहाँ पे थे। तो गाइस मैंने अपने टीममेट को बोला कि आप बहुत गलत जगह पे, तो यहाँ पिल जाओगे, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो यही होता है, बेचारा पिल जाता है। मैंने अपनी लाइफ बहुत लेवल का स्प्रे मारा था। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग जिसको हैकर बोल रहे थे, एक्चुअली गाइस वो हैकर नहीं होता, वो गाइस अच्छा स्प्रे दे रहा होता, वो भी लेट के, ठीक है। तो गाइस ओच के साथ जो बैठा हुआ होता है गाइस, उसको मैं लिटा देता हूँ, और जो लेटा हुआ था वो मुझे लिटा देता है। मतलब यहाँ पे लिटाने और उठाने वाला काम चल रहा होता है। तो गाइस इतनी देर में हमें ख्याल था कि हमारे पास हीलिंग्स और हमारे पास मतलब माल वाल की कमी है, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं लूट के लिए।
तो बस वहाँ से हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हमारे पास लूट की कमी थी। एक्चुअली मेरे पास लूट ठीक ठाक थी लेकिन मेरे टीममेट्स के पास लूट नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि यार मरे, उनका रैंक पुश था ये सब कुछ। तो अब गैस यहाँ पे क्या सीन था कि मैंने आज तक ना कभी भी किसी पठान के मुंह से गाली नहीं सुनी। गाली सुनी है लेकिन मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी को यार गाली एम ही देते हैं, ठीक है, किसी वजह से देते हैं यार, कोई अगर उनको गाली दे या उनको छेड़े तब वो देते हैं, मतलब मैंने आज तक कभी पठानों के मुंह से गाली नहीं सुनी, ठीक है। आज मैं हैरान हो गया था यार कि मतलब कैसे इन्होंने दे दिया। खैर अभी हम लोग जाएंगे स्क्वाडस, स्क्वाडस में गैस पूरा पठान का स्क्वाड होता है और वो लोग पश्तो वश्तो में ही बात कर रहे होते हैं, और मतलब इधर ही सर्कल स्टार्ट से लेके एंड तक यहीं पे सर्कल बनता है। आप बस देखो इतने भयानक फाइट होती है यहाँ पर, 16-17 बंदे इतने ज़्यादा लाइव होते हैं, देखते जाओ गैस। यार पहले तो बिल्कुल साउंड, तो गाइस यहां पे मेरा टीममेट हो जाता है नॉक, तो मैं यहां क्या करता हूं चारों तरफ स्मोक कर देता हूं जहां जैसे एंगल मिलना होता है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा गाइस, एक तो एनिमी को एंगल नहीं मिलेगा, दूसरा अगर बाहर से भी एनिमी हम पे थर्ड पार्टी करेंगे तो वहां से भी हम लोग बच जाएंगे। अब गाइस यहां पे क्या होता है, अब गाइस एनिमी कर रहे होते हैं नेड, मैं अपने टीममेट को बोलता हूं कि यार नेड आ रहा है एक जगह होल्ड करो, लेकिन नहीं मेरा टीममेट ने एक भी नहीं सुनी होती है। वॉच आउट, अंदर आ गया था यार, अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि अपने टीममेट को तो मैंने बचा लिया, अब यहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन गाइस अब अंदाजा लगाओ हम तीन और कितने सारे स्क्वाड हैं, ठीक है, 24 स्क्वाड है, यानी कि 6 स्क्वाड हैं और इतना छोटा सर्कल। तो गाइस अब यहाँ पे हमने करना होता है किसी तरह होल्ड। अब होल्ड तो हम लोग मतलब कैसे करें, हमारे पास मतलब ग्रेनेड वगैरह नेड भी नहीं होते, तो मेरे पास एक स्टंट होता है, मैं स्टंट फेंक देता हूँ। अब गाइस मुझे ग्रेनेड चाहिए, तो मेरे टीममेट से पूछने, यार तुम लोग के पास ग्रेनेड है, लेकिन मेरे टीममेट कहते हैं नहीं हम ग्रेनेड उठाते नहीं, हमारा काम ही नहीं ग्रेनेड से। खैर ये मजाक की बात है। अब गाइस ये गाड़ी का पता नहीं कैसे ग्लिच है, मैं गेटिन का ऑप्शन कर रहा हूँ, शायद ना गेटिन का आ रहा है ना ड्राइविंग का आ रहा है, पता नहीं क्या, शायद खटारा गाड़ी है, ख़राब गाड़ी है। खैर अब गाइस जो ऊपर वाला स्क्वाड था ना ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, इनके पास AWM ग्रोजा M249 बड़ी लेवल की गन्स थी, तो ये फाइनली मुझे नेड मिल जाता है, मेरे टीममेट मुझे दे देता है, उसके बाद हम करेंगे नेड की बारिश। अब गाइस यहाँ पे जैसे नॉक हुआ ना, तो गाइस दूसरी टीम ने हमें हम पे कर दिया थर्ड पार्टी। अब लेकिन थर्ड पार्टी से हम लोग बच गए, वो किस तरह गाइस, मैंने दो नॉक कर दिए थे उनका, लेकिन आखिरी फैन निकल आया, तो अब देखो क्या होता है। दो जंप कर। तो गाइस मैंने इनके मतलब नॉक कर दिया था, लेकिन अब इनका जो आखिरी बंदा था ना आपके सामने वो जंप कर रहा था, तो मैंने उसको नहीं मारा। अब गाइस मैं इनको बोल रहा था कि यार आपके अपने टीममेट्स को बुला लो ताकि वो मतलब आपको रिवाइव रिमूव दे दें, लेकिन इनका पता नहीं टीममेट वो कहाँ गायब था, किधर था वो मुझे नहीं पता, उसने रिवाइव भी नहीं दिया, ठीक है, इनको रिवाइव बेचारों को नहीं दिया और वो वहाँ से भाग गया। अब भाग तो गया, मेरा टीममेट वहाँ पे मर गया। अब गाइस मैं आग बंद करके दूसरे को रिवाइव दे रहा था, पहले वाले को रिवाइव नहीं दिया, बस काम यहाँ खराब हो गया। तो कुछ हो सकता है इससे बेहतर, यार गाड़ी मैं नहीं मार रहा हूँ, देख कहाँ से मार रहा है। तो गाइस यहाँ पे मेरा टीममेट जो है सस्ता नशा करते हुए लूट रहा था, और इतनी देर में एनिमी ने उसको लिटा दिया दोबारा से, तो फिर मैं दोबारा से उसको खड़ा कर देता हूँ, भाई तू खड़ा हो जा, जिंदा हो जा मतलब। तब तो यहाँ पे मैं स्मोक कर दिया ताकि उनको एंगल ना मिले, ताकि वो दोबारा ना मर सके गलती से भी। तो अब यहाँ पे रिवाइव दिया ही होता है और मेरा बंदा खड़ा ही होता है कि अचानक से एक और स्क्वाड हम पे हमला कर देता है। तो यार यहाँ पे बैक टू बैक इतने स्क्वाड आते हैं यार, मैं तो पगला जाता हूँ सच बताऊँ तो, बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग एकदम चटिया जाता है।
तो कैसे आप लोग वॉल्यूम 4 का साउंड सुन लेना कि यार वो लेटने का साउंड आ रहा था और वो लेटा हुआ भी था इधर ही, ठीक है। अब मैंने नेड एग्जैक्ट किया लेकिन वो मरा क्यों नहीं मुझे ये बताओ। तो अब गाइस यहाँ पे बहुत सारी लाशें बिछ जाती हैं, ठीक है। हम बिछाते थे लाशें लाशें, उसके बाद हमें यहाँ से मिल जाता है बहुत सारे ग्रेनेड, ठीक है। 3-4 हमें ग्रेनेड मिल जाते हैं, 3-4 ग्रेनेड काफी है किसी ने स्क्वाड को पिलने के लिए। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर मतलब एक को तो मतलब फिनिश कर दिया था मैंने मोलोटोव से, लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होता है कि अब एक स्क्वाड यहाँ पे नहीं होता या दो स्क्वाड नहीं होते, बल्कि अलग अलग दो दो तीन तीन करके मतलब टीम्स होती हैं, ठीक है। स्क्वाड तो नहीं कह सकते लेकिन टीम्स होती हैं। तो एक टीम होती है सीमेंट्री में, तो गाइस यहाँ पे मैं उनको मतलब मेरे पास नेट भी ख़त्म हो जाता है, मोलोटोव भी ख़त्म हो जाता है, तो यार मैं दिमाग लड़ाता हूँ कि शायद मुझे कोई एंगल वेंगल मिल जाए, उंगल उंगल मिल जाए कि मैं उंगल कर सकूँ। नेट ही नहीं है, नेट होता ना सामने आराम से कर देते, कॉर्नर में खड़ा थी। तो गाइज मैंने सिमेट्री वाले को बहुत दिया लेकिन भाई ने लिया नहीं, और मतलब ट्राई मैंने किया लेकिन भाई बच गए। तो गाइज ये जो ऊपर वाले थे ना ये पश्तो में बोलते कि हिल नहीं स्टक करना, हिल नहीं स्टक, उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास हिल नहीं है, मतलब इतनी थोड़ी बहुत हमें पश्तो आती ही आती है। तो भाई क्यों के पास ऊपर वाले के पास हिल नहीं थी और यहाँ पर यार हमें थोड़ा सा बेनिफिट था, लेकिन तो गाइस हमारे जो मोमिन भाई थे जिनको हम लोग हैकर हैकर का इल्ज़ाम लगा के दे रहे थे, एक्चुअली गाइस वो सारा इल्ज़ाम झूठा था, वो भाई शरीफ से प्लेयर था, हमने उसको ऐसे इल्ज़ाम दे दिया था। अब गाइस फाइनली सिस्टम जो ख़राब होने वाला है ना, अब मुझे नहीं पता ये भाई क्या कर रहे थे, दरवाजे पे जंप कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे। अब गाइस आखिरी बच्चे ये ऊपर तीन और हम दो, लेकिन यार यहाँ पे क्या होता है कि हील बैटल हम कर सकते थे, हमारे पास हीलिंग्स नहीं थे, हीलिंग्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे गलती क्या होती है कि मेरा टीममेट एक ही जगह खड़ा रहता है और वहाँ पे ये हो जाता है नॉक। कर लो बाद में जा तेरे माँ के लिए मादर चोत निकलो चोतिया तो समझे तो तेरा कुछ है बॉय तेरा करके तेरा कुछ इतना था। अब गाइस भाई साहब को क्या कह सकते हैं, भाई साहब को तो गाली मतलब पता नहीं ऐसी जच रही थी ना, बड़ा प्यारा लग रहा था भाई बोल के। खैर देते रहो गाली, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, खेलते रहो जैसे खेलना खेलो, बड़ा मज़ा आया गाइस मुझे तो इस मैच में, इसलिए मैंने इसको अपलोड किया। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये मैच, किल्स बेशक कम थे मुझे पता है, लेकिन यार ये मैच बहुत मज़े का था, तो मैंने कहा यार क्यों ना शेयर किया जाए, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो आप पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ कर ली, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।